कल हमने प्रश्नावली 10.1 शुरू की थी। 10.1 में हमने कल एक प्रमेय किया था बहुत इंपॉर्टेंट कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती, लंब। लेकिन सब त्रिज्या नहीं, वो त्रिज्या जो केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाती है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती, लंब। और उसी सब होगा इस चैप्टर में। पर अभी हाल हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये करते हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो देखो बेटा, ये कोई रचना नहीं चल रही है कि आपको नाप के 5 सेंटीमीटर का बनाना, कोई वृत्त बना लो आप तो छोटा सा, और लेकिन त्रिज्या याद रखना उसमें कितनी रहेगी, 5। लिखना 5 आइए, कोई नाप के नहीं बनाना पड़ता, रचना में नाप नाप के बनाना पड़ता, रचना का चैप्टर होता है, रचना के चरण लिखे जाते। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्शरेखा क्या है, पी क्यू। तो यहां पर मैंने सबसे पहले तुम्हें स्पर्शरेखा बना लूंगा, ये हो गया, ये अपना क्या हो गया, केंद्र हो गया। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब। स्पर्श बिंदु कौन बोलेगा, पी। कोई प्रॉब्लम? अब स्पर्श रेखा का नाम क्या है, पी क्यू। तो यहां पी लिख ले रहे और यहां क्यू, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा, आगे। तो माना पी क्यू वृत्त की स्पर्श और ओपी वृत्त की त्रिज्या है, तब कोण OPQ बराबर कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, कल ही सिद्ध किया था। अब आते हैं, P पर स्पर्श रेखा PQ बना ली है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, मतलब एक रेखा है वो कहां से जाएगी, केंद्र O से, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा कहां मिलती है, क्यू पर मिलती है। मिल गई, yes, समझ में आ रहा है, yes, चित्र बनाना आना चाहिए, समझे, मिल गई, yes, इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर ओ क्यू 12 और त्रिज्या कितनी थी, 5। समझ में आया क्या, yes, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल, कैसे, पाइथागोरस बताइए, पाइथागोरस लंब का वर्ग ओ पी का स्क्वायर धन आधार का पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप पे चित्र बन गया तो समझो आप पे सब कुछ बन गया। ओ पी कितना है बेटा, पी क्यू पता नहीं, ओ क्यू 12, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, प्लस के 25 तरफ गए तो 144 में से 25 गए तो 119, वर्ग उस तरफ गया तो 12। सभी को समझ में आया, अब बेटा हमारी बात ध्यान दो, थ्योरी अपन लिखेंगे निश्चित ही लिखेंगे, लेकिन 3 नंबर में आना है, तो इतना ज़्यादा दिमाग पे हेडेक मत लाना थ्योरी का कि यार इतना सारा लिखना है या इतना, अपन जितना हो सको उतना काय में लिखना है, शॉर्ट में लिखना, काय में लिखना है शॉर्ट। पहले आपको चित्र समझ में आया कि नहीं, yes, बच्चों चित्र जो है वो पहली बार में ही समझ में आता, अब अगर मिटा के फिर से भी बनाऊँ मैं तो कोई फ़ायदा नहीं होना, तो भी कोई फ़ायदा फिर भी, चूंकि अधिकांश बच्चों ने नहीं सुना था इसलिए एक बार मैं बता रहा हूँ, और प्लीज़ सुन लीजिएगा ताकि कोई मतलब निकले। तो ये बेटा अपना एक वृत्त रहेगा और एक रहेगी अपनी स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श बिंदु है, और हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मत त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P मतलब ये स्पर्श बिंदु, ये क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, PQ, इस तरफ लिख लो चाहे इस तरफ लिख लो, बात एक है, PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से जाने वाली रेखा किससे मिलती है, Q से, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, और ये तो है 90, समझ में आया, तो लिखना तो काफी पड़ेगा। माना OP वृत्त की, जाओ सुन लो पहले फिर तो लिखेंगे, माना OP वृत्त की जिसकी त्रिज्या है OP बराबर 5 सेंटीमीटर, अब PQ वृत्त की स्पर्श रेखा, ओके, अब केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, इतना तो लिखना है, पर वो 3 लाइनें हो गई। अब हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, अतः OQ लंब है,
पी क्यू पर, इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर ये लिखना पड़ेगा, वरना हम पाए त्रिभुज में किसमें लगा सकते हैं, केवल समकोण त्रिभुज में। समझ में आया क्या लिखना है बच्चों? मैंने अब हम कर रहे हैं 10.2 का पहला सवाल, 10.2 का। तो बेटा यहां पर इसको थोड़ा सा घुमाया गया है और कुछ नहीं, ठीक है, स्पर्श बिंदु इन्हें बताया नहीं। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब बाहर कोई बिंदु होगा Q, उससे वृत्त पे क्या खींची होगी और उसकी लंबाई कितनी है? 24। अब आप ध्यान दीजिए, जरा मेरी बात पर ध्यान, ये चित्र दिख रहा है आपको। अब मान लो बिंदु Q यहां पे है, ये है, तो ये खिंच गई क्या स्पर्श। अब किसी ने बिंदु Q कहां बनाया? यहां बनाया, तो उसकी ये खिंच गई स्पर्श रेखा। किसी ने यहां बनाया तो ये खिंच गई उसकी, नीचे भी खिंच सकती और ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि आपने बिंदु Q कहां बनाया। अलग अलग बुक मतलब गाइडों में अलग अलग जगह अलग अलग चित्र दिए होंगे। हम तो भैया बिंदु Q यहां बना रहे, ये बन गई स्पर्श रेखा। नहीं आया समझ अंकित? ये है बिंदु Q, बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? QP। क्या है? कोई प्रॉब्लम? बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब ये है 24 सेंटीमीटर। किसी एक हाथ को मेरी बात समझ में आई? नहीं आया। ये क्या था अंकित अपने पास? बिंदु Q, इससे अपन ने क्या खींच दी, कितनी लंबी है वो? 24। QP बराबर 24 सेंटीमीटर या PQ बराबर 24। किसी को भी दिक्कत बता दो, क्यों इस तरफ बना रहे हैं? मैं तो बनाना कहीं बना रहे, ठीक है। अब तथा बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? मतलब समझ में आया? क्या निकालनी, निकालना क्या है वृत्त की? निकाल पाओगे तो बस क्या बन जाए चित्र। उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार इसको फिर से बनाते हैं, तैयार है सब लोग? बेटा जो सुनेंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा उनको। ये क्या बन गया? वृत्त। अब बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24। तो ये अपना यहां पे बिंदु Q से अपन ने वृत्त पर एक क्या खींची? स्पर्श रेखा। क्या? QP। इसकी लंबाई कितनी है? 24। अब केंद्र O से दूरी किसकी? Q की। कितनी है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर? तो ये कितना हो गया? 90°। अब आप लगा लीजिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। OP का मान पता नहीं, PQ का मान 24, OQ का मान 25। सही है बच्चों? 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 25 का 625, 625 माइनस 576 OP स्क्वायर बराबर 49। वर्ग उस तरफ गया तो क्या बन गया? वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कि प्लस माइनस 7 का है, त्रिज्या की लंबाई माइनस की नहीं हो सकती। लिखिए बस, क्या आपको समझ में आया? आप लोग गौर कर रहे होंगे पिछले सवाल में मैंने आपको थ्योरी बाद में बताई, थ्योरी यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी लिखने से आपको लगता है कि सवाल क्या है, टफ है, पेपर में आएगा ऑप्शन टाइप, तो आप चित्र बना लीजिए और आंसर कर लीजिए। फिर भी बच्चों अभी हाल के लिए सबको समझ में आया? नहीं आया बिल्कुल? पक्का आ गया? थ्योरी लिख पाएंगे अपन? माना कि क्यू बिंदु क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्यू पी, इसकी लंबाई कितनी है? 24 है। ओपी वृत्त की त्रिज्या है, अतः ओपी क्यू कितना हो गया? 90°। दिया है कि ओ से क्यू की दूरी कितनी है? 25। हाँ, तो कुछ भी अपन थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई ज्यादा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी दोस्तों अब हम कर रहे हैं 10.2 का प्रश्न क्रमांक 6। जितने भी क्वेश्चन पर निकले लगभग सब एक से ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र कितना दूर है? 5। वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई कितनी है और वृत्त की क्या निकालनी है? निकाल पाओगे? तो देखिए, ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, ये हो गई त्रिज्या, और अपन तो स्पर्शिका हमेशा भैया ऐसे ही बनाते हैं आपको जैसी बात। बताइए क्या बिंदु ए यहां हो, ये जरूरी है? आप इसको जहां चाहें इसको बना ले रहे सी, इसको बना ले रहे ओ। समझ में आया? मुझे नहीं आया, आपको आया समझ में? माना ओ वृत्त का
केंद्र क्या है, ओ वृत्त का बिंदु ओ से बिंदु, केंद्र ओ से बिंदु ए की दूरी कितनी है, कोई दिक्कत? अब वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है, 4। ए से अपन ने क्या खींची, स्पर्शरेखा, नाम क्या रख दिया, ए सी। लंबाई कितनी है, समझ में आया क्या? अब क्या बचा, त्रिज्या उसी, त्रिज्या स्पर्शिका पे क्या होती है, लंब, कोण कितना हो जाएगा, 9। तो बिल्कुल ज्यों का त्यों सवा, बस। हाँ अभी तो देखिए कितना कर लेंगे, त्रिभुज बताइए, थ्योरी भी तो लिखनी है। समकोण त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, लिखिएगा पूरा, कर्ण का लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग सी ए बराबर, थक गए, ओसी का मान, सी ए का मान, ओ ए का मान, समझ में आया क्या? 4 चौके 5 25 माइनस 16 ओसी स्क्वायर बराबर 9 ओसी बराबर 9। अतः वृत्त की त्रिज्या कौन है जो उसकी थ्योरी लिख पाएगा? बहुत जरूरी क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये पेपर में आया था पिछले साल 2019 के पेपर में आया था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप 2 मिनट का टाइम दीजिए। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी बिंदु किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती है। ऊपर देखिए, देखिए ध्यान बच्चों, समांतर रेखाएं तो आप सभी जानते हैं, क्या पहचान होती समझ वाली। एक रेखा पी क्यू है, ये एक रेखा आर एस। मान लो हमें पता है कि ये समांतर, ये क्या है, तो समांतर रेखाओं में एक गजब कंसेप्ट है जिसको हम आपको बता रहे हैं, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। बेटा क्या बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, तो आप देखते ही नहीं हो। तो अगर हम यहां पे कोई भी, जैसे मैंने तो आप कैसे ही बना लो आप, ठीक है, तो ये जो कोण है मान लीजिए ये ए है, पी ए बी, और ये जो कोण है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्या बोलते हैं इनको, पता है पहले से? तो ये समांतर रेखाओं की पहचान है कि अगर ये Z वाले कोण बराबर रहेंगे तो रेखाएं कैसी रहेंगी, समान, क्या कहलाते हैं, ये एकांतर। समझ में आए, एक किसकी पहचान है, समान। अब जरूरी नहीं कि सब लाइन ऐसी खींची जाए, लाइन आप कैसी भी खींच सकते, जैसे कि ये देखो ऋषभ, ये कोण कितना है, 90, ये कोण कितना है, 90 बराबर, तो ये क्या है, समांतर। नहीं आया, किसकी पहचान है ये, समांतर। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बेटा देखो, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती, समांतर। हमें चाहिए एक वृत्त, क्या चाहिए, व्यास क्या होता बच्चों, अजीबा। तो अगर मैंने ऐसा बनाया तो क्या जरूरी है कि आप भी ऐसे ही बनाएं, आप ऐसा वैसा कैसे ही बना सकते, बना सकते बेटा। तो माना वृत्त का केंद्र और ए बी, ठीक है, व्यास के सिरे हैं। अब बिंदु ए पर हमने क्या खींच लिए, कोई दिक्कत, इसका नाम रख लिया पी क्यू, क्या नाम रख लिया, अब बिंदु बी पर हमने क्या खींच ली, इसका नाम रख लिया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर आर, व्यास के सिरों पर खींची गई, तो ए भी वृत्त का, उसकी सिरे हैं ए और बी, ए पर खींची स्पर्श रेखा, बी पर खींची, क्या सिद्ध करना है, क्लियर हुआ, उत्पत्ति करेंगे, क्या करेंगे, उत्पत्ति में पहला पॉइंट तो वही रहेगा, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती, अब बहुत कठिन समय आ गया है। सबसे पहले फर्स्ट ओए लंब होगी पी क्यू पर, होगी कि नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट ओ ए लंब है पी क्यू पर। अब आप मुझे बताइए अगर आप में दम है तो कोण ओ ए पी कितना होगा, 90 है, या अपन को चाहे तो लिख सकते पी ए ओ, क्या लिख सकते हैं, कितना होगा, और ये वाला, ये भी 90 होगा, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं। अब आपको अगला बताइए, हाँ बोलिए बोलिए, ओ भी लंब है, अब ये कौन बताओ, बोलिए बोलिए,
कोण ओ बी एस बराबर। तो अब मैं चाहूंगा कि आप ओ को बीच में ना लाएं, आप सीधे लिखें पी ए बी, पूरा लिखें पी ए बी, पी ए बी, और यहां लिखें ए बी एस। समझ में आया बेटा? नहीं आया? ये दोनों 90 हैं तो आपस में क्या होंगे? बराबर। समीकरण एक व दो से कोण पी ए बी बराबर कोण, लेकिन क्या बन रहा है? परंतु ये एकांतर कोण है। क्या है? और जब एकांतर कोण कब होते हैं? अतः पी क्यू समांतर। नहीं आया किसी को भी समझ है? एकदम सरल कि नहीं? ये इस पे लंब है, ये कोण 90 हो गया, ये इस पे लंब है, ये कोण, और ये दोनों कोण बराबर हो गए तो समांतर हो गए। नहीं आया समझ? तो अगर आप पहले जब मैं एकांतर का समझा तब समझ सुन लेते ना तो आपको ये समझ में आता। कितने लोगों बन जाएगा ये ईमानदार? चले झूठे हाँ इतने सारे नहीं हुए। चले शुरू करें, लेकिन